गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आइए, क्लास सेवन्थ का सोशल साइंस हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर टू हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। चैप्टर टू में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, आज यहाँ से पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन से। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स, मतलब क्या, राज्यों में प्रशासन, ठीक है, क्या राज्यों में प्रशासन। अब आइए, कह रहा है कि इन द किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया वी फाउंड ए कॉमन थ्रेड रनिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस। मतलब क्या, कह रहा है कि भारत के राज्यों में हम विभिन्न प्रांतों के प्रशासन में एक सामान्य यह बात चलाते हैं। क्या, देखिए, अनडाउटली द किंग वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहा है कि ऐसा है कि राजा, संदेह, कह रहे अनडाउटली मतलब क्या, निसंदेह राजा सरकार और प्रशासन, राजा क्या, सरकार और प्रशासन के प्रमुख थे। प्रमुख क्या थे, राजा सरकार और प्रशासन के क्या थे, प्रमुख थे, ठीक है। आइए अब क्या कह रहा है कि ही वॉज ऑल्सो, ठीक है, क्या कह रहा है, ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स, ठीक है। जो है, पहले हमने बताया कि निसंदेह राजा क्या था, सरकार और प्रशासन के प्रमुख थे। वह सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी थे, सशस्त्र बलों के क्या थे, कमांडर इन चीफ भी थे। ही वॉज एन एब्सोल्यूट रूलर हु टुक हाइट हाई साउंडिंग टाइल्स लाइक अ महाराजाधिराज किंग ऑफ किंग, ठीक है, एंड द चक्रवर्तम, ठीक है, लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। ऑल्दो द किंग हैड, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर, कह रहा है, बट इन द प्रैक्टिस ही वॉज हेल्प्ड बाय वेरियस ऑफिसर्स। आइए समझते हैं क्या है कि, कह रहा है, वह एक पूर्ण शासक था। क्या था वह, पूर्ण, वह सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी थे और वह एक पूर्ण शासक था जिसने महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, तीनों लोगों का स्वामी जैसे उच्च ध्वनि वाले उपाधि धारण किए, ठीक है। कह रहे, हालांकि राजा के पास पूर्ण शक्ति थी, लेकिन व्यवहार में उन्हें विभिन्न अधिकारियों द्वारा मदद की जाती थी। क्या क्या, विभिन्न अधिकारियों द्वारा मदद की जाती थी। देवर, पहले पढ़ लेते हैं यहाँ तक, उसके बाद फिर समझाते हैं। देवर ऑफन कंसल्टेड एंड देयर एडवाइस वॉज एक्सेप्टेड बाय द रूलर, ठीक है। कह रहा है, देज ऑफिशल्स वर, कह रहा है, सामंस, रेवेन्यू मिनिस्टर, सेनापति, ट्रीजर्स, चीफ जस्टिस एंड द, कह रहा है, पुरोहित। दीज कह रहे फंक्शनरीज वर रिक्योर्ड फ्रॉम द इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड द ऑफिसर वर ऑफन हेरेडिटरी, ठीक है। आइए समझते हैं पहले थोड़ा। कह रहा है कि हालांकि राजा के पास पूर्ण शक्ति थी, लेकिन व्यवहार में उन्हें विभिन्न अधिकारियों द्वारा मदद की जाती थी। उनसे अक्सर सलाह ली जाती थी और उनकी सलाह को शासक स्वीकार करते थे। ये अधिकारी सामंता के, कह रहे हैं, सामंत के स्वामी, राजस्व मंत्री, सेनापति, कोषाध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश और पुरोहित थे। इन पदाधिकारियों को प्रभावशाली परिवार से भर्ती किया जाया था। जो प्रभावशाली परिवार होता था उस समय, जो सामर्थ परिवार होते थे, उसी से क्या किया जाता था, भर्ती किया जाता था। और कार्यालय अक्सर जो होता था, जो ऑफिस होते थे वर्क का, उसमें क्या होता, वंशानुगत, मतलब क्या, जो परिवार के बच्चे हैं, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसी के बच्चे उसमें क्या काम करेंगे, ठीक है, इसलिए उसको वंशानुगत कहा जाता था, ठीक है। कह रहा है उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि सामंत वर डिफेक्टेड रूलर, दे, कह रहा है, ट्रेजर्स वर द रिटर्न टू देम आफ्टर दे एक्सेप्टेड द सिनिस्ट्री ऑफ द रूलर। दे सामंत पेड ट्रिब्यूट द सप्लाइड ए कंटिजेंट ट्रूप्स व्हेन एवर नीडेड ही अटेंडेड, ठीक है, ही अटेंडेड द रॉयल कोर्ट विद द गिफ्ट्स एंड द प्रेजेंट। वेरी ऑफन द सामंत वर नॉट अ लॉयल एंड द रॉयल रेडी टू डिक्लेयर देयर, ठीक है, डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस। बट कह रहे हैं, बिग लैंड लॉर्ड्स ऑफ द वेरियर चीफ वर ऑल्सो कॉल्ड सामंत। वन सच इंस्टेंस वॉज दैट ऑफ द राष्ट्रकूट्स इन द डेक्कन हु वर द सब ऑर्डिनेंट्स ऑफ द चोलक्या। द राष्ट्रकूट चीफ, ठीक है, दंती दुर्ग ओवर थ्रो द चोलक्या ओवर, कह रहे हैं, लॉर्डशिप एंड द बीकेम इंडिपेंडेंट। द किंग हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। He had lead the army in times of the war. The king collected revenue and the taxes from the people to fulfill his multifarious responsibility. The king gave land to, कह रहे हैं, ब्राह्मण्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, लोकल चीफ एंड द ट्राइबल लीडर्स instead of the cash salaries. कह रहे, द किंग कलेक्टेड द लैंड रेवेन्यू एंड ऑल्सो आस्ट फॉर द कंटिजेंट ऑफ द ट्रूप्स ड्यूरिंग वॉर। ब्राह्मण्स डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर देयर लैंड्स,
ठीक है, कह रहा है द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय द लेबर्स, दे रोट अकाउंट अबाउट द किंग एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनी, दे ऑल्सो ब्राउट मोर लैंड अंडर द कल्टिवेशन, द पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान, हैडर्स, आर्टिसियन हैड टू गिव ए पार्ट ऑफ टू देयर प्रोड्यूस टू द किंग, दे वर क्लेम एज अ रेंट, द ट्रेडर्स ऑल्सो पेड टैक्सेज, विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एजुकेशन, लुकड आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन, द विलेज हैड वेरियस कमिटीज टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल, वाटर टैंक्स, टेम्पल्स एंड रोड्स, द विलेज एजुकेशन कंटिन्यू ऑन द सैम्पल पैटर्न इन इटिल इंडिपेंडेंस। आई पूरा अच्छा से आप समझते हैं हम लोग, कह रहा है इसमें, हाँ इसमें था क्या, कह रहा है कि इन पदाधिकारियों के प्रभावशाली परिवार से क्या किया जाता था, उसको भर्ती किया जाता था, जो कार्यालय में जो काम करने वाले जो ऑफिस जो होते थे, जो वर्कर उसमें काम करते थे, उसी के बच्चे उसमें क्या करते थे, काम करते थे, इसीलिए उसको वंशानुगत कहा जाता था। समान के शासक जो होते थे, प्राशस्त ठीक है थे, शासक की आत्महत्या स्वीकार करने के बाद उनके क्षेत्र उन्हें वापस कर दिए गए थे। जब कोई शासक, क्या सामंत का मतलब ये होता है बाबू, जब कोई शासक किसी राजा से लड़ाई करते हुए, कोई राजा सेकेंड राजा अगर उससे हार जाता था तो उसके अधीन हो जाता था, ठीक है ठीक है, तो क्या करता था राजा, उसे छोड़ देता था और बोलता था कि तुम अब हमारे अधीन हो, तुम ही राज की देखभाल करोगे और इसके बदले मुझे क्या करोगे, रेवेन्यू देना होगा। कह रहा है समान सदाय अर्पित किया, जब जरूरत पड़ी सैनिकों की एक टुकड़ी आपूर्ति की, जब भी देश कभी लड़ाई होता तो सैनिक की टुकड़ी ठीक है वो प्रोवाइड करता था उसे। उन्होंने उपहार उपहार के साथ शाही दरबार में भी भाग लिया। बहुत बार सामंत वफादार नहीं थे, कह रहा है ऐसा होता था कि बहुत बार सामंत जो होता था वफादार नहीं होते थे और हमेशा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए तैयार रहता था। वो इस तैयारी में लगा रहता था कि जब भी मौका मिले तो मैं क्या करूँ, अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दूँ, ठीक है। लेकिन जमींदारों और योद्धा के प्रमुख सामंत भी कहा जाता था, लेकिन जो जमींदार लोग होते थे उसे भी योद्धा का प्रमुख सामंत कहा जाता था, ठीक है। अब कह रहा है क्या, इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस बिग लैंडलॉर्ड्स ऑफ द वेजर चीफ वॉज ऑल्सो कॉल्ड द सामंत, मतलब क्या, बड़े जमींदारों या योद्धा प्रमुख को सामंत भी कहा जाता था। जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, योद्धा होते थे, उसे क्या कहा जाता था, सामंत भी कहा जाता था। कह रहा है स्थानीय स्कूल ऐसा ही एक उदाहरण ढक्कन के गाँव राष्ट्रकूट का था, जो चालुक्यों के अधीन थे, चालुक्यों के क्या थे, अधीन में थे। राष्ट्रकूट के वही संरक्षक प्रमुख दंती दुर्ग ने चालुक अधिपति को उखाड़ फेंका और स्वतंत्र हो गया, उखाड़ फेंका और क्या किया, वो कि स्वतंत्र हो गया, ओवर थ्रू द चालुक ओवर बीकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। राजा को राज में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा का कल्याण करना था। राजा का मुख्य काम था कि राज में कानून व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा का क्या करना, पालन करना, ठीक है। उसे युद्ध के समय में सेना का नेतृत्व करना था, युद्ध के समय में उसे क्या करना था, सेना का नेतृत्व करना था। राजा ने अपनी विभिन्न जमींदारों जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए लोगों से राजस्व करो और करों का संग्रह किया था, ठीक है। लोग राजा जो है क्या किया, ठीक है, राजा के पास जो जिम्मेदारियाँ थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको पूरा करने के लिए राजस्व और करों का क्या किया, इकट्ठा करना शुरू किया, लोगों से टैक्स लेना दारों से भी शुरू किया। कह रहा है राजा ने ब्राह्मणों, सरकारी अधिकारियों, स्थानीय प्रमुख और ठीक है आदिवासी नेताओं को नगद वेतन के बदले जमीन दी। वेतन के बदले क्या किया, इन लोगों को जमीन दिया गया, ठीक है। राजा ने भूमि राजस्व एकत्र किया और युद्ध के दौरान सैनिक की टुकड़ी के लिए भी कहा। ब्राह्मणों को अपनी भूमि के लिए कर नहीं देना पड़ता था, यहाँ लिखा हुआ था ना, ठीक है, अभी बताए हैं कि गवर्नमेंट ऑफिसर, लोकल चीफ, लीडर, ट्राइबल असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ ब्राह्मण डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर द अदर लैंड्स, मतलब क्या है, ब्राह्मण को टैक्स नहीं देना पड़ता था, उस समय भूमि के लिए कर नहीं देना पड़ता था। भूमि पर मजदूरों द्वारा खेती की जाती थी, भूमि पर किसके द्वारा खेती की जाती थी, मजदूरों के द्वारा, ठीक है। तेरा उन्होंने राजाओं के बारे में लेख लिखा और धार्मिक अनुष्ठान किए, ठीक है। वे खेती के तहत अधिक भूमि लाते थे। किसानों, चरवाहों, कारीगरों को अपनी उपज का एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था। जो किसान होता था, जो चरगाह होता था, इन लोगों को क्या किया जाता था, अपनी भूमि का एक हिस्सा, जो इनकम होता था उसका एक हिस्सा जो है किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था, ठीक है। ग्राम प्रशासन की एक महत्वपूर्ण इकाई थी कि जिसकी देखभाल जो है ग्राम प्रधान करते थे। गांव के स्थानीय स्कूलों पानी, ठीक है, कह रहा है पानी की टंकियों, मंदिरों, सड़कों की देखभाल के लिए विभिन्न समितियां थी। कई सारे समितियां को बनाया गया था, किस चीज़ के लिए, इन सब चीज़ों के देख लिया लिखा, लोकल स्कूल, ठीक है, वाटर टैंक, इन सब चीज़ों को देखने के लिए कई सारे समितियां के बनाया गया था, ठीक है। इन समितियों का काम था कि इन चीज़ों की देखभाल करना, ठीक है। गाँव प्रशासन आज़ादी के बाद तक इसी तर्ज पर क्या हुआ, चलता रहा।
अब आइए देखते हैं गजनीवाद। इन द 10th सेंचुरी ए तुर्कीस कन्क्वेरर कैप्चर्ड गजनी नाउ इन द अफगानिस्तान एंड द फाउंडेड द ग्रह गजनीवीद डेंसिटी। ग्रह सुल्तान मोहम्मद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिस डेंसिटी डेंसिटी द पोलिटिकल डिस्यूनिटी ऑफ द इंडिया इनकरेज मोहम्मद टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद रेडेड इंडिया 70 टाइम्स बिटवीन कह रहा है 1000 AD, ठीक है, एंड कह रहा है 1027, ठीक है, 1027 AD। कह रहा है ही प्लंडर्ड मेनी सिटीज, कई सारे शहरों को उसने लूटा, ठीक है। कह रहा है प्लेस एंड हिज मेन टारगेट वर द वेल्दी टेम्पल, सबसे ज़्यादा ये जो टारगेट करता था जो धनी टेम्पल होता था जिसमें ज़्यादा सोना और जेवरात होते थे लगे हुए, उस मंदिरों को उसने सबसे ज़्यादा अटैक किया। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका एक ही मकसद था, क्या मकसद था, कि वहाँ से धन को लूटना है, ठीक है। कह रहा है टू ऑफ हिज इन फेमस अटैक वर ऑन द कन्नौज ऑन 1018, ठीक है, AD एंड के लूटिंग द फेमस सोमनाथ टेम्पल ऑफ द गुजरात इन 1825। लेकिन क्या हुआ कि कह रहा है कि उसमें थोड़ा वो असफल भी रहा, लेकिन क्या हुआ कह रहा है कि उसमें वो क्या हुआ 1025 में गुजरात के टेम्पल को उसने लूटा। इन द कैंपेनियन अगेंस्ट द कन्नौज, कन्नौज के खिलाफ, इन द प्लंडर कह रहा है मथुरा एंड कन्नौज, ही ऑल्सो लूटेड द फेरोसी हिरिच टेम्पल, ये सब एक टूरिस्ट टेम्पल था, कह रहा है टेम्पल है सोमनाथ, विदाउट इनकाउंटरिंग एनी सीरियस रेसिस्टेंस, बिना किसी हथियार के इसने क्या किया, इसे लूट लिया। ही कुड लॉस्ट एंड द प्लंडर सो कह रहा है इजिली बिकॉज नो स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जैक्टली इन द नॉर्थ इंडिया, क्योंकि उस समय नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई भी स्टेट क्या था स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है। एट द टाइम उस समय मोहम्मद यूज हिज अ मैसिव वेल्थ, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्या क्या करना चाहता था, लूटना चाहता था, कह रहा है मैसिव वेल्थ एंड कैरीड फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से वो ज़्यादा से ज़्यादा धन ले जाके ले जाना चाहता था, टू बिल्ड ए मैग्निफिशेंट, ठीक, कैपिटल सिटी एट द गजनी, उसने कैपिटल सिटी जो है राजधानी इसको गजनी को घोषित किया। अलबरूनी ग्रेट स्कॉलर हु हैड द कंप्लीट मोहम्मद गजनी इन द टैक्स ऑफ इंडिया, कह रहा है अलबरूनी जो था उसने मोहम्मद घोरी के बारे में, ठीक है, एक ग्रेट स्कॉलर था, उसने इस चीज़ के बारे में लिखा, ही हैज रिटन बुक इन द अरबिक, इसमें अरबिक लैंग्वेज में कॉल द किताबुल हिंद, इसलिए उस बुक का क्या नाम रखा गया किताबुल हिंद, विच गिव्स अस द लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, उस बुक में इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में विस्तृत से जानकारी दिया गया है। आपका ये चैप्टर, सेकेंड चैप्टर खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट डे जो है क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है, आप लोग करके आना, क्वेश्चन आंसर बने तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे, लेकिन ट्राई और करना, ठीक है। डैट्स ऑल, थैंक यू फॉर डे माय डियर।